नगर निगम के चुनाव बढ़िया बढ़िया सबका पता ही नहीं सब क्या होता है। बीजेपी से लेगा कांग्रेस से लेगा? नहीं नहीं, ये एक नई पार्टी है, राइट टू रिकॉल पार्टी। अच्छा उससे, चलो ठीक है। वो प्रधानमंत्री हो, उसके पार्षद हो, सरपंच हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, यदि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, पांच साल के लिए हम चुनकर भेजते हैं, लेकिन पांच साल तक यदि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, पता चल गया कि एक साल के अंदर ही चोर है, भ्रष्टाचारी है, शोषण करता है, निकम्मा है, जो भी आप जो भी नाम बोलते हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसको बदलने का हमारे पास अधिकार होना चाहिए। ठीक है, बदलते कैसे? जैसे कि मान लो कि अगर पार्षद है, पार्षद सड़क नहीं बना रहे ठीक से, नाली ठीक से नहीं बना रहे, बिजली ठीक से नहीं दे रहा, मतलब कि लाइट ठीक से नहीं करवा रहा, ठीक है, तो उसका आप जो यहाँ पर नाम लिख कर उसकी स्वीकृति रद्द कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आपके पापा अच्छे पार्षद बन सकते हैं, या आपके चाचा अच्छे पार्षद बन सकते हैं, आपके अड़ोसी अच्छे पार्षद बन सकते हैं, पड़ोसी अच्छे पार्षद बन सकते हैं, उनकी स्वीकृति यहाँ पर डाल सकते हैं, है ना। तो इस वार्ड में यदि 6000 लोग हैं, 6000 वोटर हैं, 3000 कहते हैं कि इसको हटाओ और इसको लगाओ, तो उसी कुर्सी छीन सकती है और अगला आदमी पार्षद बन सकता है एक साल के अंदर अंदर। उसको पांच साल झेलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब ये कानून आएगा, हम ये कानून लेकर आना चाहते हैं, जब ये कानून आएगा तो प्रत्येक नागरिक के पास इस प्रकार से वोट वापसी पासबुक होगी। वोट वापसी पासबुक, वोट वापसी पासबुक का मतलब है कि वोट वापस लेने के लिए जो अधिकार है उसके लिए, मतलब उसकी एंट्री वेंट्री किधर होगी, उसकी पासबुक होगी, है ना। तो ये हम घर घर जाकर दे रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। यहाँ से ये सबको दे दिया और वहाँ से इनको छोड़ के सबको दे दिया, तो अभी इनके पास ही जा रहे हैं। तो कैसा कैसा लगा, क्या समझ में आया आपको, ये क्या है ये? अच्छा, अगर किसी को जो जैसे कि कोई पार्षद है वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो अपन उससे अपना वोट भी ले सकते हैं, वोट अधिकार होना चाहिए, तो अपन है ना उसका अधिकार लेके उसको हटा सकते हैं एक साल के अंदर, और अपने जो जिसको भी अपन अच्छे से जानते हैं और वो बन सकता है अच्छा, तो उसको बना सकते हैं इसके लिए। तो इससे जो अभी का पार्षद है ना, उसकी कुर्सी हम छीन नहीं रहे, बस उसके गले में लगाम डाल रहे हैं कि तू काम कर, हाँ तू काम नहीं करेगा तो हम इनको बना देंगे। कुछ नहीं है, बच्चे यदि वो हाँ मचा देते हैं तो उससे क्या मतलब है, जब रिजल्ट निकलता है जब पता पड़ता है, कह रहे क्या हो गया बैठो, बस वो है। और क्या, ऐसा ही है, तो उसके सिर पे एक तलवार लटकती रहनी चाहिए, है ना, तो वैसा है। वहां से अरे बहुत कुछ कर सकते हो, किताबें पढ़ो, संगीत वगैरह बजाओ, नई नई भाषा सीखो, अंग्रेजी टाइप करो एक दूसरे की, संस्कृत सीखो, नई नई भाषाएं सीखो, देश विदेश के बारे में बात करो, ज्ञान विज्ञान की बात करो, अजमेर का कलेक्टर कौन है ये पता करो, ये बिजली कौन देता है यहाँ पर पता करो, कौन देता है बिजली यहाँ पर, पानी कौन देता है ये पता करो, अरे ये सब छोड़ो, पार्षद कौन है ये पता करो, हाँ ये पता है, अरे ये बात नहीं, हाँ, हमारे लिए तो नहीं अभी ना, जैसे कि ये भाई साहब है, ये भाई साहब बोलते हैं कि धरती है वो गोल नहीं है, धरती फ्लैट है ना, उनको समझाओ धरती गोल कैसे, मुझे लगा धरती गोल नहीं है, धरती चपटी है, तो कैसे कैसे समझाओगे, ये तो बोल रहा है कि धरती तो घूम ही नहीं रही है, धरती तो यहीं पर ही फिक्स है भाई, यहीं पर ही कोई ये साइकिल है, अगर धरती घूमे ही नहीं तो अपन को ना सूरज दिखेगा और ना चांद दिखेगा, तो ऐसे भी तो चलता है, धरती धरती यहाँ पर है, फिक्स है, ठीक है, सूरज यहाँ से निकलता है और यहाँ से ये गिर जाता है, चांद यहाँ से निकलता है, ऐसा नहीं हो सकता, जब अपन रोटेट होते तभी तो ऐसा होगा, अपन रोटेट ही नहीं होंगे तब वो कैसे होगा, एक ही जगह पे रोटेट होने की जरूरत क्या, मैं तो वहाँ पर खड़ा हुआ था, देखो है ना, आप आते हो और चले जाते हो, आते हो चले जाते हो, तो इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे चंदन, ठीक है, तो ये कोई नई चीज नहीं है, 1925 से भगत सिंह जी इन कानूनों की मांग करते आ रहे थे गैजेट में, लेकिन इसको टाला जा रहा था, दोबारा चुनावों के माध्यम से इनका इसका जो मसला इसको उठाना चाहते हैं, भीलवाड़ा में सरपंच चुनाव के लिए इसको उठाया गया है, बिहार में विधानसभा चुनाव में इसको उठाया गया है, कार्यालय कार्यालय कुछ नहीं है, अच्छा, ये कानून है, गैजेट में आना चाहिए, भारत के राजपत्र में छपना चाहिए, अच्छा पार्टी का कार्यालय अहमदाबाद में, अहमदाबाद में यहाँ ब्रांच नहीं खोली, यहाँ की ब्रांच अभी ये प्रेम दादी का कमरा, प्रेम दादी का मकान है ना, उसको समझ लीजिए, अच्छा यहाँ ही अपन ने, मैं तो चाहता हूँ कि हर एक नागरिक नेतृत्व ले, सही बात है ना, इस पार्टी का कोई लीडर नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं है ना, आप भी ले भाई, भी आप समाज से भी होना चाहिए ना यार, सेवा करने वाला होना चाहिए, कोई भी हो पार्टी से मतलब नहीं है जी, तो जब ही कानून आएगा, अभी होने वाले हैं एक महीने के अंदर अंदर आ जाएगी डेट, लेकिन क्या है कि बैनर वगैरह लगना शुरू हो गए हैं, टिकट बटना शुरू हो गए हैं, लॉटरी निकलना शुरू हो गई है, मैं सर IIT में पढ़ाई कर रहा था, उसके बाद जॉब कर रहा था दिल्ली और मुंबई में, IIT बॉम्बे में गया था, हाँ जी, हाँ जी,
हाँ अभी मेरी मम्मी है हाँ। लेकिन 4 साल पहले मैं अपनी नौकरी छोड़कर कुछ सामाजिक कार्यों में लग गया हूँ और अब मुझे लगता है कुछ राजनीति में मुझे घुसकर सामाजिक सुधार करने चाहिए। तो अब मेरा क्या है कि जीवन जो है पढ़ाई नौकरी में निकल गया, इसलिए ज़्यादा संपर्क हो नहीं पाया लोगों से, लेकिन इस बहाने से हो रहा है। फिर भी उसकी जो कुर्सी है वो छिन सकती है, दूसरे आदमी के हाथ में जा सकती है। तो ये जो आपका अधिकार होगा, ये लगाम होगी पार्षद के गले में, प्रधानमंत्री के गले में, जजों के गले में, एसपी के गले में। तो ये जो लगाम है ये कानून एक प्रकार की लगाम पार्षद के गले में रहेगी। अच्छा। तो उसके सिर पर हमेशा तलवार लटकी रहेगी है ना। तो उसको अपनी कुर्सी से हटाने के लिए, दूसरे आदमी को बदलने के लिए, मान लीजिए अभी 6000 वोटर हैं तो मात्र 3000 वोटर चाहिए होंगे जो उसको हटा सके और नए आदमी को बदल सके। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा? ये हमारे जैसे कार्यकर्ता करेंगे। ये ठीक से काम नहीं कर रहा है तो स्वीकृति बदलो, स्वीकृति बदलो, स्वीकृति बदलो। तो ये ऐसा है, 5 साल के अंदर अंदर उसको कभी भी बदला जा सकता है। 5 वर्षों के लिए कोई बात नहीं, उसको बदलने का हमें अधिकार होना चाहिए। नेता को यदि हम चुनकर भेजते हैं 5 वर्षों के लिए, वो सरपंच हो, पार्षद हो, अगर गड़बड़ करे तो 5 साल पहले वापस बुला, उसको बदलना है, बुलाना नहीं बदलना है। तो ये लगाम है ना, ये एक पासबुक में अंदर दे चुका हूँ। ठीक है, इसे वोट वापसी पासबुक कहते हैं। जब ये कानून पास हो जाएगा तो प्रत्येक नागरिक का ये अधिकार होगा, जैसे राशन कार्ड एक अधिकार होता है, ड्राइविंग लाइसेंस का अधिकार होता है, पासपोर्ट एक अधिकार होता है। ठीक है, तो वो अधिकार ये वोट वापसी पासबुक से आता है। हम वार्ड में जो 1000 घर हैं समय ज्यादा के वोट वापसी पासबुक मुफ्त दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका कानून। तो ये कानून इस्तेमाल करने में कैसा लगेगा, पढ़ने में कैसा लगेगा, छूने में कैसा लगेगा, उसके लिए प्रत्येक घर में हम ये वोट वापसी पासबुक बांट रहे हैं। हाँ, प्रेमलता जी का, वे मेरी मम्मी है। तो एक नई पार्टी है, राइट टू रिकॉल पार्टी, तो उसको बदलना पड़ेगा नहीं, बस ये पार्षद के गले में एक लगाम रहेगी, लगाम रहेगी है ना, उसके सिर पर तलवार रहेगी। हम चाहते नहीं कि कोई अस्थिरता है कि उसकी कुर्सी हटे, बस लगाम रहेगी। चांद सूरज आते हैं, तारे जमीन पर आते हैं और चले जाते हैं, इसके लिए मुझे रोटेट होने की जरूरत तो पड़ती ही नहीं है, है ना। चलो अच्छी बात। और हमारे देश में जो भी लूट होती है, कोयले की, लोहे की, तांबा की, कच्चे तेल की, पत्थर की, बजरी की, स्पेक्ट्रम की और खनिज की, सरकारी भूमि की, उसकी जो लूट का जो पैसा होता है, जो ये भ्रष्टाचारी लोग चट कर जाते हैं, वो लूट का पैसा प्रत्येक मतदाता के खाते में आना चाहिए, ये हमारी मांग है। इसको धन वापसी कानून कहते हैं, क्योंकि मैं एकदम नया आदमी हूँ, करो कोई बात नहीं, एक आप खिलाड़ी आदमी देखो, नहीं ठोकर लग के आदमी समझता है सब, तो ये सब तेरे नहीं, हम तो चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन के थोड़े नियम है, 5 आदमी से ज्यादा चल नहीं सकते, ज्यादा नहीं, 3 आदमी लेके चलते बजरी स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज का रॉयल्टी सारे जन जन के खाते में जमा होनी चाहिए। तो ये एक नमूना है पासबुक का, जिससे आपको थोड़ा अब पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। हाँ, सामने वाले के लिए बोले भाई कुछ हो सकता है, मेरे साथ एक्शन, हाँ कभी उसकी कुर्सी छीन सकती है ना, तो उसके सिर पर ही तलवार है। ठीक है, तो काम करेगा, क्योंकि काम अगर नया आदमी कर सकता तो पहले वाला आदमी भी कर सकता है। ठीक है, उसने करा नहीं, हाँ उसकी नियत नहीं थी। तो ये जो वोट वापसी पासबुक है तो उसके गले में ये लगाम है, तो ये आपका अधिकार है कि उसके लगाम आप टाइट कर सको। सही है, और आधार कार्ड अधिकार है, पैन कार्ड अधिकार है, वैसे आपकी जिम्मे ये रहेगा, ये आपके हाथ में लगाम है ना। अच्छा, यहाँ पर यहाँ से करवाना लाइट ही नहीं, इधर तो मेरी प्लॉट है, ये तो इधर तक तो हमारी प्लॉट है। अच्छा, तो ये वोट वापसी पासबुक ये आपका अधिकार है, ये अधिकार हम आपको देने आए हैं। बोले बदलेगा तो कब बदलेगा, कब बदलेगा, बदलेगा आप भी मानते हो, और हम तो कह रहे हैं बदलेगा, लेकिन आप बोल रहे हो बदलेगा, कोई टाइम बताइए। मशीन उनकी है, आप और हम क्या करेंगे। सरे आम न्यूज़ में दे रहा है कि मशीन में घोटाले हो, हाँ तो ये ईवीएम का तो विरोध करना ही चाहिए, तो हम करते हैं ईवीएम का कल्याण है, जन आंदोलन होना चाहिए, जन आंदोलन के बिना नहीं होगा। देखो आप और हम दो जने क्या करेंगे, 5 जने क्या, ये मुंबई से आगे जन आंदोलन करने के लिए आ जाएंगे, ये आजमगढ़ से आगे। अब आप लोग जवान हो ना, नौकरी के लिए भटक रहे हो ना, मिलेगी नौकरी बताओ मुझे। नहीं नहीं, हम तो नहीं भटक रहे, बट काफी जवान भटक रहे हैं। एक बात जनरल, हाँ जनरल बात सही है भैया, ये वो तो ऊपर वाला ही संभालेगा, इसमें मैं तो ये जानता हूँ।